हरे कृष्णा। 400 साल पहले की बात है, बंगाल के सिंहासन पर हुसैन शाह नामक एक मुसलमान शासक राज्य करता था, जो अपने आप को बंगाल का बादशाह कहता था। बंगाल की राजधानी उस समय राजमहल के पास बसे हुए गौड़ नामक नगर में थी। यह गौड़ अब नष्ट हो गया है। बादशाह मुसलमान था, फिर भी उसके उच्च पद के कर्मचारी प्रायः हिंदू ही थे। बादशाह के उच्च पदाधिकारियों में दक्षिण के दो ब्राह्मण भाई मंत्री के पद पर थे। ये अपने देश से आकर बंगाल के रामकेली नामक गांव में बस गए थे और अपनी विद्या बुद्धि से इन्होंने इतना ऊंचा पद प्राप्त कर लिया था। राज्य में ये दबीर खास और साकर मलिक के नाम से जाने जाते थे। ये दोनों पदवियां थीं। वैसे इन दोनों भाइयों के नाम अमर और संतोष थे। हुसैन शाह इन्हें अपना दाहिना हाथ समझता था। वेशभूषा से ये पूरे मुसलमान लगते थे। इन्होंने खूब धन कमाया था। रामकेली गांव में ये राजा कहलाते थे। इतना सब होने पर भी इनका हृदय हिंदू भावों से भरा था। श्री राम और श्री कृष्ण के प्रति इनका बड़ा अनुराग था। ब्राह्मण साधुओं में इनकी बहुत भक्ति थी। रामकेली गांव में इनके घर पर ब्राह्मण साधुओं का अक्सर मेला सा लगा रहता था। धन की कोई कमी नहीं थी, मन में बहुत उदारता थी, धन बढ़ता रहता था। अनेक विद्वान ब्राह्मणों का भरण पोषण इनके द्वारा होता था। इनके छोटे भाई अनुपम घर पर ही रहा करते थे। ये दोनों ज्यादातर समय बादशाह के पास रहते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम सुनकर उनके प्रति स्वाभाविक ही इनकी श्रद्धा हो गई और इस श्रद्धा ने आगे बढ़कर एक प्रकार की विरह वेदना का रूप ले लिया। दोनों भाई श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए बड़े उत्सुक हो गए। दबीर खास और साकर मलिक की तीव्र दर्शन की अभिलाषा ने श्री चैतन्य महाप्रभु के मन को खींच लिया। महाप्रभु से अब रहा नहीं गया और वे वृंदावन जाने के बहाने गंगा जी के किनारे किनारे चलकर गौड़ के पास जा पहुंचे। जब महाप्रभु गौड़ के पास पहुंचे तब उनके हजारों भक्तों के दल की उच्च हरि ध्वनि से सारा नगर गूंज उठा। बादशाह ने शोर सुनकर सोचा कि हो ना हो आज गौड़ पर कोई शत्रु चढ़ाया है। उसे बड़ा भय हुआ। उसने दबीर खास और साकर मलिक को बुलाया और उनसे सन्यासी के बारे में पूछा। इन दोनों भाइयों ने अब तक महाप्रभु के दर्शन नहीं किए थे, लेकिन इनका पूरा विश्वास था कि श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात ईश्वर है। उन्होंने अनेक प्रकार से महाप्रभु के गुणगान करते हुए बादशाह से कहा, हुजूर, मालूम होता है कि साक्षात भगवान धराधाम में अवतार लेकर सन्यासी के वेश में घूम रहे हैं। जिनकी कृपा से आज आप गौड़ के राजा हैं, वही भगवान आज आपके दरवाजे पे पधारे हैं। यह सुनकर बादशाह ने बड़ी नम्रता से कहा, मुझे भी कुछ ऐसा ही मालूम होता है। मैं गौड़ का बादशाह हूँ, लाखों आदमियों के मारने जिलाने का अख्तियार रखता हूँ, लेकिन अगर मैं एक मामूली नौकर को भी एक दिन की तनख्वाह ना दूं, तो वह अपनी रजामंदी से मेरी किसी बात को सुनेगा नहीं। अगर मैं अपनी फौज को 6 महीने तनख्वाह ना दूं, तो शायद वही मुझे कत्ल करने के लिए साजिश करने लगे। ताज्जुब की बात है कि इस कंगाल फकीर के पास एक कौड़ी भी ना होने पर हजारों आदमी अपना घर बार छोड़कर और नींद भूख को भुलाकर गुलाम बने फिरते हैं। ईश्वर के सिवा ऐसी ताकत और किसमें हो सकती है? बादशाह ने बातें तो बड़ी अच्छी कही, लेकिन उन दोनों भाइयों के मन में यह भय हो गया कि कहीं यह मुसलमान बादशाह महाप्रभु के दल को कोई कष्ट ना पहुंचा दे। वे चाहते थे कि महाप्रभु यहाँ से जल्दी ही चले जाएं तो ठीक है, लेकिन उनका दर्शन करने के लिए दोनों के मन में बड़ी उत्सुकता थी, इसलिए बाहर के बाहर उन्हें लौटाना भी नहीं चाहते थे। महाप्रभु अब गौड़ में आ पहुंचे। वे दर्शन दिए बिना कब लौटने वाले थे? वे तो आए ही थे दोनों भाइयों को संसारी कुएं से खींचकर बाहर निकालने के लिए। रात को दोनों भाई महाप्रभु के दरबार में पहुंचे। महाप्रभु अपने प्रियतम परमात्मा के प्रेम में समाधि लिए थे। श्री नित्यानंद जी ने बड़ी चेष्टा करके उनकी समाधि भंग करवाकर दोनों भाइयों का परिचय कराया। दोनों मुंह में तिनके दबाकर और गले में कपड़ा डालकर महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े और बोले,
प्रभु, आप पतित और दीनों का उद्धार करने के लिए ही पृथ्वी पर आए हैं। हम जैसे दयनीय पतित आपको और कहाँ मिलेंगे? आपने जगाई मदाई का उद्धार किया, लेकिन वे तो अज्ञान से पाप करते थे। उद्धार तो सबसे पहले हमारा होना चाहिए, क्योंकि हमने तो जानबूझकर पाप किए हैं। वास्तविक पतित तो हम ही हैं नाथ, अब आपके सिवा हमें और कहीं ठौर नहीं है। महाप्रभु उनकी निष्कपट दीनता को देखकर मुग्ध हो गए, दया से उनका हृदय द्रवित हो गया। वे बोले, उठो, दीनता को दूर करो। तुम्हारी इस दीनता को देखकर मेरा हृदय फटा जा रहा है। तुम मुझे बड़े प्रिय हो, मैं यहाँ पर तुम्ही दोनों भाइयों से मिलने आया हूँ। तुम निश्चिंत रहो, जल्द ही तुम पर श्री कृष्ण की कृपा होगी। आज से तुम्हारा नाम सनातन और रूप हुआ। महाप्रभु के वचन सुनकर सनातन और रूप का हृदय आनंद से भर गया और वे कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से महाप्रभु के मुख कमल की ओर निहारने लगे। उनके जीवन की दिशा ही अचानक बदल गई। इसके बाद महाप्रभु ने सनातन के परामर्श से इतने लोगों को साथ लेकर वृंदावन जाने का विचार छोड़ दिया और वापस नीलाचल यानी जगन्नाथपुरी की ओर लौट गए। इधर रूप और सनातन की दशा कुछ और ही हो गई थी। इनको वैराग्य हो गया था, राज्य वैभव और मंत्री पद से मन हट गया। एक क्षण भी राजकाज में रहना उनके लिए नरक यातना के समान हो गया। सनातन की अनुमति से रूप तो छुट्टी लेकर अपने घर रामकेली चले गए और सनातन बीमारी का बहाना करके डेरे पर ही रहने लगे। रूप ने दो गुप्तचर महाप्रभु के पास जगन्नाथपुरी भेज दिए और उन्हें बता दिया कि महाप्रभु के वृंदावन की ओर प्रस्थान करते ही शीघ्र लौटकर मुझे बताना। इस बीच में धन संपत्ति को लुटाकर रूप ने वृंदावन जाने की तैयारी शुरू कर दी। इनके छोटे भाई का नाम अनुपम था। वह पहले से ही बड़े श्रद्धालु थे। उसने भी भाई के साथ ही घर छोड़ने की तैयारी कर ली। रूप सनातन के कोई संतान नहीं थी। अनुपम के जीव नामक एक पुत्र था। उसे थोड़ा सा धन सौंपकर शेष सारा धन गरीबों को लुटा दिया। इतने में समाचार मिला कि सनातन को बादशाह ने कैद कर लिया है। रूप और अनुपम ने अब जल्दी चले जाने का विचार किया और गुप्तचरों के जगन्नाथपुरी से लौटते ही महाप्रभु के वृंदावन जाने की बात सुनकर दोनों भाई वृंदावन को चल दिए। जाते समय एक पत्र सनातन को लिखा कि हम लोग दोनों वृंदावन जा रहे हैं, किसी प्रकार पिंड छुड़ाकर आप भी जल्दी आइए। जरूरी खर्च के लिए 10,000 रुपए मोदी के यहाँ रख दिए गए हैं। सदा अमीरी ठाट में रहने वाले रूप और अनुपम की आज कुछ विचित्र ही दशा है। उन्होंने सारे वस्त्र और आभूषण उतार कर फेंक दिए हैं। तन पर एक फटी गुदड़ी है और कमर में एक एक कौपीन है। भूख प्यास और नींद की कोई परवाह नहीं है। पास में एक कौड़ी भी नहीं है। वे बड़ी खुशी से कष्ट सहन करते हुए पैदल चले जा रहे हैं। अपने आप जो कुछ खाने को मिल जाता है उसी से पेट भर के रात को कहीं भी पड़े रहते हैं, लेकिन उनके मन में कोई दुख नहीं है। चलते चलते दोनों भाई प्रयागराज पहुंचे। वहां जाते ही पता लग गया कि चैतन्य महाप्रभु यहीं पर है। दोनों भाई दांतों तले तिनका दबाकर जगत के बड़े से बड़े दीन और कंगाल की तरह रोते कांपते पढ़ते उठते महाप्रभु के चरणों में जाकर गिर पड़े और दोनों ही प्रेम के आवेश में मतवाले से हो गए। कुछ समय के बाद वे धीरज धरकर बोले, हे दीन दयामय, हे पतित पावन, हे नाथ, हम जैसे पतितों को तुम्हारे अलावा और कौन आश्रय देगा? महाप्रभु ने इससे पहले सिर्फ एक बार रात के समय रूप को देखा था, लेकिन अब उसे देखते ही तुरंत पहचान कर महाप्रभु हंसकर बोले, उठो उठो रूप, दीनता छोड़ दो। तुम लोगों पर श्री कृष्ण की अपार कृपा है, तभी तो उन्होंने तुम लोगों को विषय कूप से निकाल लिया है। रूप, भगवान को जितने भक्त प्रिय हैं उतने और कोई नहीं है। महाप्रभु ने प्रेम से उन दोनों भाइयों को अपनी छाती से लगा लिया और अपने पास बैठाकर सारा हाल पूछने लगे। रूप ने कहा, प्रभु, सुना है कि सनातन को बादशाह ने कैद कर लिया है। प्रभु बोले, घबराओ मत, सनातन कैद से छूट गया है और मेरे पास आ रहा है। रूप और अनुपम उस दिन महाप्रभु के पास ही रहे और वहीं पे प्रसाद लिया।
महाप्रभु ने कई दिनों तक उन्हें प्रयागराज में अपने पास रखा। रूप के द्वारा प्रभु को बहुत बड़ा कार्य करवाना था, वृंदावन की दिव्य प्रेम लीला को पुनर्जीवन देना था। इसलिए रूप को अकेले में रखकर लगातार कई दिनों तक महाप्रभु ने उसको भक्ति का रहस्य अच्छे से समझाया और अंत में कहा, रूप मैं काशी जाता हूँ और तुम वृंदावन जाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो, जीवों का कल्याण करो, अपने सुख की आशा छोड़कर वृंदावन जाओ और इसके बाद यदि इच्छा हो तो मुझे जगन्नाथपुरी में मिलना। ये कहकर प्रभु वहां से चल दिए और बड़े कष्ट से धैर्य धारण करके प्रभु के आज्ञा के अनुसार रूप और उनके छोटे भाई अनुपम वृंदावन की ओर चल दिए। अब अगले भाग में हम जानेंगे कि इनके बड़े भाई सनातन किन कष्टों को सहन करके वृंदावन पहुंचते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।